दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एग्जिट पोल निकल के आ रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में आखिर क्या हो रहा है। अभी लाइव अपडेट बहुत से कम चैनल दे रहे हैं क्योंकि अभी पूरा एग्जिट पोल निकल के नहीं आया है। फिर भी मैं आपको एक ऐसा एग्जिट पोल दे रहा हूँ जो बिल्कुल अभी लाइव आया है, दो चार मिनट पहले ही आया है। इसमें दोस्तों पूरा बारीकी से बताया जा रहा है कि कौन जीतने वाला है, और इसमें अगर आप ये एग्जिट पोल सुन लेंगे तो आप 99% उन सभी लोगों से आगे हो जाएंगे जो नहीं जानते हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल में सटीक कितना आएगा। जो दोस्तों इसके लिए तैयार रहिए, महाराष्ट्र में राजग को भारी बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महाराष्ट्र में एक बार फिर से जीतने के अनुमान है, वो भी भारी बहुमत के साथ। दोस्तों INS और सी वोटर दो एक ऐसी ये संस्था है जो कि इस बार एग्जिट पोल कर रही है, और इनका बहुत ही सटीक एग्जिट पोल आता है। मैं आपको कोई भी खबर बेकार नहीं देना चाहता, इनका बहुत ही सटीक एग्जिट पोल आता है। दोस्तों इनके मुताबिक पता लग रहा है कि राज्य की 288 जी हाँ दोस्तों 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें इस गठबंधन को लगभग 192 से 216 सीट मिलने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, आप शिवसेना और बीजेपी को जोड़ लीजिए, उनके जो गठबंधन मिलने का चांस हो रहा है वो हो रहा है 192 से लेकर 2016 तक, तो माफ कीजिएगा 216 तक, तो ये काफी बड़ी पहुंच है। लगता है कि इस बार 200 का क्रॉस हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 2014 में क्या हुआ था भाजपा शिवसेना गठबंधन में, तो उसमें 185 सीटें दोनों पार्टियों ने मिलकर कब्जाई थी, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय कर दिया गया था। दोस्तों इस बार की बात करें, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी रांगपा इनका शॉर्ट फॉर्म है इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं, आपको गठबंधन करना ही पड़ेगा। तो वहीं अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको 55 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है जो कि पहले से। वहीं अगर हम बात करें उनके पिछले विधानसभा में तो उनको 84 सीट मिली थी, तो इस बार फिर से वो घटते जा रहे हैं। और वहीं अगर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की बात करें तो इनको मिलने जा रहे हैं दोस्तों 192 से लेकर 216 सीट तक, यानी कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा सा कारण ये है कि जो PM हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो काम करा है, उनकी जो लहर है वो अभी भी दिखाई देती है। उनके महाराष्ट्र में एक दो रैली, जो भी उन्होंने रैली करी, उससे सीधा पता लगता है कि वो पहले ही तय कर देते हैं कि आपको कितना वोट आगे जाना है। कांग्रेस और जितने भी आप कितना भी गठबंधन कर लीजिए, हमने UP में भी देखा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, काफी कई गठबंधन हुए पर आखिर में जाके उनको कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों अगर बात करें वहीं कांग्रेस की, तो इस बार 55 से 81 सीटें मिलने का अनुभव है, जो पिछली बार जो 2014 में चुनाव हुए थे उससे काफी कम है। और दोस्तों आगे की बात करें, एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव में जो वोट मिलने जा रहा है वो उसमें जो, तो दोस्तों ये था पूरा मैंने आपको बताया। वहीं अगर हम बात कर लें अगर के और जो पार्टी है, अन्य दल हैं, उनको ज्यादा खास कुछ मिलने वाला नहीं है, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन पे दिखाया जा रहा है कि 10 से 12 सीट उनको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। वो भी वो दल ले सकते हैं जिनकी बहुत बड़ी ताकत है किसी एरिया में, उससे ज्यादा कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। दो ही गुट है वहां पर। एक बात करें अगर हम बीजेपी शिवसेना की, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ जो गठबंधन के हुए हैं, पर कांग्रेस भी काफी पीछे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था पूरा अभी तक का एग्जिट पोल जो कि बहुत ही सटीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 10 मिनट अभी हमें इस वीडियो 10 मिनट पहले ही आया है। मैं आपको कोई भी चीज पहले की नहीं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ऐसी बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए, और दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल आपको एग्जिट पोल बिल्कुल डे टू डे देते रहते हैं।